बच्चों, आई होप सब सही होंगे। अब देखो आज जो नॉलेज ऑफ साइन मतलब साइन के बारे में पता करना कि कैसे क्या किसको सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले देखो आपको कुछ बताता हूँ। जो फर्स्ट सेकंड है तो ऑनलाइन जो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड हो रही थी, आज से क्या करेंगे हम लोग उसको मतलब रिटर्न करके मतलब किसी पेज में लिख के आपको क्वेश्चन भी देंगे और उसमें आपको सारी चीज मिल जाएगी। जैसे आपको क्वेश्चन देते तो आपको क्या होगा, अच्छी बात हो रिटर्न करके आपको क्या व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। आप लोग वैसे काम करना फर्स्ट सेकंड का, एक्चुअली ऑनलाइन में तो अगर बच्चे समझ नहीं रहे तो इसलिए क्या करना हमको रिटर्न जो बेसिक चीज है आपको रिटर्न करके पेज में लिख के आपको दे देंगे। जैसे कल क्या था और जो क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ का तो मैथ ऑनलाइन चलेगी, हिंदी व्याकरण जो भी है, और कक्षा एट वाले भी देखना कल से क्या हो गया आपकी जो जितना कोर्स हो गया मैथ उसका आगे का कल से मैं टीच करूंगा। तो आप लोगों को क्या करना है डेली काम करना और समझना है क्वेश्चन को। तो आज ये जो नॉलेज ऑफ साइन मतलब साइन के बारे में जानकारी, तो ठीक है पार्ट वन और पार्ट टू करके अभी मैंने दो पार्ट बना रखे हैं। एक्चुअली इसका रिविजन कर रहे हैं हम, इसको पढ़ने के रिविजन कर रहे हैं। तो पार्ट फर्स्ट में क्या है प्लस और माइनस साइन के बारे में डिस्कस करेंगे, और कल पार्ट टू की जो पार्ट टू रहेगा आपको उसमें इंटू और डिवाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट है किसके एड और सबट्रैक्ट, एड सबट्रैक्ट। देखो साइन के बारे में मैंने एक चार्ट बनाया था आपको, क्या प्लस और माइनस क्या होता है आपका माइनस, प्लस और प्लस क्या होते हैं प्लस, माइनस और माइनस क्या होते हैं प्लस, लेकिन साइन किसका लगता है माइनस का, और माइनस और प्लस क्या होता है आपका माइनस। ये अब मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। तो जो आज देखो एड सब्ट्रैक्ट, इमेजिन करो 9 प्लस 5। अब देखो 9 प्लस 5 बेसिक से चल रहा हूँ क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ, आपने इसको जो रफ कॉपी में करना है और फिर मैं चेक करूंगा कि हाँ 2 तारीख को आपको क्या मैंने क्या टीच किया था नॉलेज ऑफ साइन के बारे में बताया था करके आपको। तो प्लस 9 माइनस 5, देखो प्लस और माइनस और प्लस क्या होता है, देखो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, सबको पता है माइनस होगा। तो 9 में से 5 कम करेंगे कितना आएगा आपका बताओ 4 क्या है आंसर आ गया, लेकिन अभी भी पूरा करेक्ट नहीं है। देखो अब कैसे इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एलसीएम में भी क्या था हम लोगों ने 9 ग्रेटर या 5 ग्रेटर, आपका 9 ग्रेटर है, ग्रेटर के पीछे कौन सा साइन है माइनस का, तो हम क्या आंसर अभी क्या करेंगे माइनस का साइन करेंगे। या क्या फर्स्ट क्वेश्चन हो गया माइनस को लगाया समझिए ना बड़ी संख्या के पीछे कौन सा साइन हो उसको देखते हैं हम लोग। अब सेकंड क्वेश्चन एक और है -8 + 8 - 9, देखो 2 डिजिट फर्स्ट डिजिट का तो 2 डिजिट क्या ऑलमोस्ट सारे बच्चे करेंगे, लेकिन 3 डिजिट में देखो क्या करते हैं -8 + 8 - 9। ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन है कि इसको क्या करना है आपने सॉल्व करना है कैसे करेंगे। अब देखो मैंने कल एक चीज बताई थी आपको, जब सेम संख्या अपोजिट साइन, कल बताया था मैंने जब सेम नंबर और अपोजिट साइन होते हैं तब क्या होते हैं कट जाते हैं, 8 से 8 कट गया क्यों कटा, क्योंकि 8 प्लस का था 8 माइनस का था, दोनों प्लस माइनस के होते हैं। देखो वैसे भी देखो प्लस और माइनस क्या होते हैं माइनस होते हैं, 8 में से 8 गया कितना बचेगा 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है, बचा क्या आपका माइनस का 9। ये मेरा क्या हो गया आंसर आ गया, कैसे हुआ समझिए। आप लोग आप थर्ड क्वेश्चन एक और करते हैं, थर्ड क्वेश्चन आपको देखो इमेजिन करो 12 9 + 8 12 - 9 + 8, ये हो गया ठीक है क्वेश्चन, तो समझिए आप लोग क्या ही है। अब मैंने बोला कि प्लस प्लस जब कोई होता है ऐसे सिचुएशन के करना पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ देना और माइनस माइनस वालों को अलग सॉल्व करना, प्लस प्लस वालों को पहले सॉल्व करो बताओ प्लस 12 का क्या ये प्लस का है कैसे पता चला, मैंने बताता हूं आप लोगों को, जब किसी नंबर के पीछे कोई साइन नहीं होता है ना तो हम हमेशा किसका मानते हैं प्लस का, ये याद रखना। इमेजिन करो इसके पीछे यहाँ पे कौन सा साइन होगा प्लस का, क्यों, क्योंकि मैंने बता दिया आप कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन करो चाहे एक में करो या इंटर में करो या ग्रेजुएशन में करो, अगर इसके पीछे कोई साइन नहीं होता हम किसका मानेंगे प्लस का मानेंगे, फिलहाल जब प्लस माइनस वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे।
ये हो गया। अब प्लस प्लस वाले कौन कौन से हैं, एक तो प्लस का 12 हो गया और एक प्लस का 8, तो बताओ इस दोनों को मैं क्या कर दूंगा। प्लस प्लस का होता है हमारा 8, 12 प्लस 8 कितना होता है 20 माइनस 9, ये तो हुआ एक स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप में बताओ प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, और तो 20 में से 9 कम किया तो कितना बचेगा हमारा 11। अब यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा ये भी मैटर रखता है। प्लस का 20 बड़ा होता है, माइनस का 9 बड़ा होता है, प्लस का 20 बड़ा होता है, यहाँ पे क्या किसका साइन लगेगा, प्लस का। तो आप लोग जरूरी नहीं कि लिखना प्लस, लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो हम फर्स्ट टाइम सीखे तो तब लिखते, लेकिन हमको पता है कि जब कोई साइन नहीं होता तब भी हम किसका मानते हैं प्लस का है, तो हमको ये करना है प्लस, लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपके 3 क्वेश्चन। आप 4 या तो 3 वाले थे, आप 4 वाले करते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, जो क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड करके आपको बता दूं इनको क्या करना, आपने कॉपी में नोट करना था कॉपी में। अब फोर्थ क्वेश्चन आपका, अब देखा मैंने 2 1 और 2 ये माइनस के हैं और 2 प्लस के हैं, मतलब 2 माइनस के और 2 प्लस के हैं। तो जब आप ऐसे सिचुएशन होती है आपके करना डायरेक्टली भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन आप लोगों को डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना, पहले बेसिक समझना जरूरी है। तो आप लोग क्या करना, माइनस माइनस को एक साथ सॉल्व करना और प्लस प्लस को एक साथ सॉल्व करना, समझिए आप ये करना है। माइनस माइनस को देखो, माइनस का 8 माइनस का 3, माइनस माइनस का होता है प्लस, लेकिन साइन किसका लगाएंगे हम उसके पीछे से माइनस का। तो 8 और 3 कितना होता है, जोड़ दो बताओ, 8 और 3 कितना होता है 11, 11 क्यों हुआ पता चल गया, जोड़ना है माइनस माइनस का भी जोड़ते हैं, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का लग गया, लग गया क्यों, लगा कैसे लगा, ये मैंने बता दिया आपको साइन चार्ट, इसके बेसिक इसके क्या है, इसके आधार पर क्या हुआ, साइन लग गया। अब प्लस प्लस वाले को करता हूं, प्लस का और प्लस का ये 9 प्लस 8, प्लस प्लस क्या होता है, जुड़ता है, ठीक है, 9 और 8 कितना होता है प्लस का 17, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 4 वाले में देखो प्लस माइनस क्या हुआ, सॉरी प्लस माइनस माइनस प्लस वाले की साइन लगा, और प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, मैंने प्लस कर दिया। अब देखो दो आ गए, दो वाले इससे पहले हमने फर्स्ट में किया था माइनस और प्लस, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस 17 में से 11 कम करेंगे कितना बचेगा 6। अब साइन किसका लगेगा यार, 11 बड़ा होता है 17 बड़ा होता है, सबको पता है 17, तो प्लस का साइन लगेगा इसके आगे से। ये हो गया आपका आंसर, आके देखो कैसे हुआ, ये सामने है आपने, ये कुछ नोट करते हैं। अब ये है, पहले तो माइनस माइनस वालों को सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे हम, पहले माइनस माइनस को अलग करेंगे और प्लस वालों को देखेंगे। अब देखा मैंने माइनस से कितने हैं, 1 2 3, और प्लस का खाली क्या है 1 है, 1 डिजिट क्या है प्लस का, 1 एक ही है, और 3 क्या है माइनस के हैं। जब भी कभी माइनस 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 को कभी भी सॉल्व करेंगे ना, हमेशा क्या कर देंगे, ऐड ही करते हैं, समझिए आप लोगों ने मैंने क्या बोला, कभी भी माइनस 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 2 माइनस 2 माइनस 2 तो क्या होगा 6 है, मतलब हमेशा क्या होता है ऐड ही होता है, लेकिन उसके पीछे के लेफ्ट की ओर से क्या लगेगा, माइनस का साइन लग जाएगा। तो ठीक है, हम देखते हैं माइनस का 9 माइनस का 3 और माइनस का 10, तीनों को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि मैंने बता दिया माइनस 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 हमेशा क्या होते हैं, ऐड होते हैं, लेकिन साइन किससे रखते हैं, माइनस का। तो 10 और 9 तो 19 और 3 22, और साइन किसका लगेगा, माइनस का लगा, और बचा क्या, प्लस का 18, ये हुआ। अब 2 डिजिट में आ गया, 2 डिजिट वाले को आप लोग क्या कर सकते हो, आराम से सॉल्व कर सकते हो, माइनस और प्लस क्या होता है, सबको पता है माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 22 में से 18 कम करेंगे कितना बचेगा आपका 4, और साइन किसका लगेगा बताओ, साइन किसका लगेगा, माइनस का लगा, क्यों लगा, क्योंकि ये क्या है, ग्रेटर नंबर के पीछे क्या है, माइनस का साइन है। और सेकंड चीज हम ये भी कह सकते हैं, जिस नंबर से देखो, अगर प्लस वाले से माइनस को कम करेंगे तो प्लस का लगेगा, माइनस वाले से प्लस को कम कर दो तो माइनस का साइन लगेगा। ये भी अगर किसी ने पूछे क्यों लगा, आप देखो किसी ने पूछते हैं माइनस का साइन क्यों लगा, क्योंकि हमने माइनस वाले से प्लस वाले को कम किया है तो इसलिए माइनस का साइन लगा।
अगर प्लस वाले से माइनस को कम करते तो प्लस का साइन लगता है। ये हो गया फाइव क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग सिक्स। देखो फाइव डिजिट का करते हैं, माइनस थ्री प्लस नाइन माइनस टेन माइनस थ्री प्लस फाइव। ये क्वेश्चन आपके फाइव डिजिट का, देखो कुछ भी नहीं डरना हमें, बस साइन का नॉलेज होना चाहिए बस ये वाला, और बाकी कितने डिजिट भी मैटर नहीं रखते, आसानी से क्या कर सकते हैं हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने देखा माइनस वाले देखो कितने, एक दो और तीन, थ्री माइनस के और प्लस के कितने, वन और टू। आप लोगों को ऐसे साइन लगाने की जरूरत नहीं, मैं तो समझा रहा हूँ, आप लोगों को ऐसे टिक करना मत, रफ में कर सकते हो लेकिन फेयर कॉपी में नोट मत करना, ऐसे टिक मत करना फेयर कॉपी में। अब देखो माइनस माइनस माइनस, माइनस का थ्री माइनस का टेन और माइनस का थ्री, तो मुझे पता है माइनस माइनस को मैंने बता दिया ऐड होता, तो हम क्या कर सकते हैं इसको ऐड कर लेते हैं, थ्री और टेन की तो होता है थर्टीन और थर्टीन और थ्री सिक्सटीन, लेकिन साइन से रहेगा माइनस का। अब प्लस और प्लस को ऐड कर दो कितना बचे, कितना होगा फोर्टीन। अब जो गया माइनस प्लस क्या होता है आपका, माइनस प्लस माइनस होता है, किससे घटाया, माइनस वाले से घटाया प्लस वाले से घटाया, माइनस वाले से घटाया तो माइनस का साइन लगा देंगे, और बड़ी संख्या की सामने माइनस है तब माइनस का साइन लगा। ये सिक्स क्वेश्चन मैंने क्या कर दिया आप लोगों को बता दिए, और इससे जो एड सब्ट्रैक्टिव होते हैं ना, बस फाइव डिजिट सिक्स डिजिट वो मैटर नहीं रखते, बस आपको ये साइन चार्ट याद रखना, और पता कि प्लस प्लस टू प्लस होता है माइनस माइनस क्या होता है, ये होना चाहिए आपको, और बाकी आप आसानी से क्या कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सिक्स क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, और आपको क्या करने हैं फोर क्वेश्चन और करने हैं फाइव डिजिट के, फाइव डिजिट के आप ये करने फोर क्वेश्चन और करने हैं और आंसर निकालना है और इसको करना है, और जो कल पार्ट टू रहेगा आप लोगों को किसका, इंटू और डिवाइड, मल्टीप्लायर और डिवाइड को वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, रिविजन करेंगे कल मल्टीप्लायर और डिवाइड का, और जो आप लोगों को बता दिया फर्स्ट सेकंड का थीम है, ये जो कक्षा थर्ड फोर्थ फिफ्थ के बच्चे देख रहे हैं, तो आज आपके आसपास में जो रहेंगे उनसे कहना आज की बात क्या है, क्लास फर्स्ट सेकंड का क्या होगा रिटर्न होमवर्क है, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, फर्स्ट सेकंड का काम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको किसी एक पेज में लिख के, जो कल हुआ था कल क्या था, आप लोगों को एड के बारे में मैंने कुछ होमवर्क दिया था और ईवीएस का दिया था मैंने फर्स्ट सेकंड को, तो आप डेली आपको ऐसे फर्स्ट सेकंड को ऐसे काम मिलेगा, और बाकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ का जो अभी चल रहा है यूट्यूब के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा, और एट्थ क्लास की भी देखना, कल से मैंने आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा, तो आप लोगों ने क्या करना है, मैं किसी के पास बुक नहीं है तो वो अरेंज कर लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे आज के लिए।